मैं सबसे पहले तो यहाँ से विधायक हूँ और पिछली बार हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में कैप्टन अजय यादव जी बहुत धातु है, उनको एक बार पीछे ट्रैफिक में है, उनसे सामने से बुला लो भाई, फोन लगाओ, बुला लो उनको, अपने कागज रूम फोन से लेकर आ जाओ, काम बहुत कोई बात नहीं है। तो साथियों मैं राव धर्मपाल जी से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने विचार व्यक्त करें, यात्रा का स्वागत करें। राव धर्मपाल जी तमाम के लोग हमारे पास भारी श्री गुरु अनंत आजाद का हेलो, अगर नारे देखे मैं आइडेंटिफाई करूंगा, फोटो खिंचवा पे जो नारे थे, जो बोल रहा है कोई बन नारे थे। हमारे कमेटी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट भाई अशोक तंवर जी, उनके साथ सभी उनके साथी आए हुए मान्य सम्मान्य व्यक्तिगण उपस्थित मेरे बुजुर्गो नौजवान साथियों भाइयों बहनों, साथियों आज बड़े खुशी की बात है कि हमारी ये परिवर्तन नीति गुड़गांव से शुरू की है और गुड़गांव में मुझे लगता है कि जो भी बात लेके आए हो उससे ज्यादा अपने उस पर खरा उतरेंगे लोग और सभी यहाँ पर काफी देर से इंतजार हो रहे हैं। मैं आप सबका यहाँ आप साथियों का भी आने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आपके सर का स्वागत हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आके इस यात्रा को आपको बात से सुनता रहूँ और आगे आप सोने पर मूव करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर पूर्व विधायक भाई अनिल ठक्कर जी से कि वो भी अपनी बात रखे। आदरणीय हमारे हरियाणा प्रदेश कमेटी के प्रभारी एवं महासचिव माननीय गुलाम नबी आजाद जी, हमारी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अशोक तंवर जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बहन किरण चौधरी जी, मेरे साथ में आए मेरे साथी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी आदरणीय सदस्यगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं और दूर दूर से आए हुए हमारी रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम इस सरकार का परिवर्तन चाहते हैं, केंद्र में भी और आने वाले समय में राज्य में भी, और आप लोगों के सहयोग के बिना ये परिवर्तन संभव नहीं। आज पूरे किसान और जो व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, पूरी तरह से त्रस्त है और आप सब लोगों के सहयोग से हमने फिर दिशा परिवर्तन करना है, फिर इस राज्य को और देश को एक नई दिशा देनी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मैं आप सब भाइयों से अपील करने आए हैं, हम सब लोग मिलकर, कि इस बार जो हमारे चुनाव हो रहे हैं वो हमारी दशा और दिशा तय करेंगे और आपके सहयोग की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सब ओर से, हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हम सब एकजुट हैं, एकमत है और अब आप सबके सामने हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस भ्रष्ट सरकार को केंद्र से उखाड़ कर फेंकेंगे। और सब भाइयों का मैं यहाँ पर बहुत बहुत हमारा स्वागत के मैं धन्यवाद करता हूँ, राव धर्मपाल जी का, कैप्टन अजय यादव जी का, राव साहब का, जिन्होंने भी यहाँ पर सहयोग किया, सभी भाइयों का, जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं अनुरोध करूंगा जयवीर वाल्मीकि जी से, विधायक है जो हमारे, और सब साथी जो इधर है टेंट के साथ, उनसे आग्रह करूंगा कि आगे की तरफ आ जाओ, सारे थोड़ा सा गर्मी में आना पड़ेगा, आ जाइए सारे आगे आ जाओ, क्योंकि इस तरफ से संबोधित कर रहे हैं भाई कैलाशो सैनी जी, अगर कहीं भी है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर है, दूसरे सीनियर लीडर साहिबान है, सारे आगे की तरफ आ जाए भाई। जयवीर वाल्मीकि जी हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारी आदरणीय कांग्रेस के महासचिव व हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आजाद जी हमारे बहुत ही आदरणीय
आपके पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और पीसीसी प्रेसिडेंट हरियाणा अशोक तंवर जी, सीएलपी लीडर किर चौधरी जी और मंच पर सभी हमारे सम्मानित नेता जी और मंच पर आज भी आए हैं हमारे कुलदीप शर्मा जी पूर्व स्पीकर और आप सब गुड़गांव वासी हमारी यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई हमारी प्रदेश कांग्रेस के सभी कर्मठ कार्यकर्ता और मीडिया के सभी साथीगण, आज परिवर्तन यात्रा आपके बीच पहुंची है। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि अपने वार्ड में, गांव में, शहर में, सिटी में एक एक बूथ पर जाए और 36 बिरादरी के लोगों से बात करें। इस परिवर्तन यात्रा का मकसद एक ही है कि हमें केंद्र में राहुल जी और यहां कांग्रेस सरकार बनाई है, क्योंकि आज हर वर्ग दुखी है इस सरकार से, बीजेपी सरकार से, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे दलित है, चाहे छोटा व्यापारी है, तो सभी आज परेशान हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए बदलाव की जरूरत है और आप सबसे मैं अपील करता हूं कि आप इस बदलाव में शामिल होकर इस बीजेपी सरकार को बाहर फेंकने का काम करें। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कुलदीप शर्मा जी से आए और अपना उद्बोधन दें। परम सम्मानित आजाद साहब, माननीय हुड्डा साहब, चेयरमैन साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट माननीय श्री अशोक तंवर जी, हमारे सीएमपी लीडर श्रीमती किरण चौधरी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी मेंबर साहबान और इस सभा व्यवस्था के कार्यकर्ता साथ, आज माननीय श्री गुलाम नबी आजाद जी के नेतृत्व में हरियाणा की कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बादशाहपुर के मुकाम पर पहुंची। आदरणीय साथियों, यात्रा को परिवर्तन नाम इसलिए दिया कि हरियाणा की जनता आज परिवर्तन की मांग करती है। पिछले 4.5 साल से प्रदेश में और 5 साल से देश में जिस प्रकार से सरकारों का चलन हो रहा, उससे देश का हर एक वर्ग त्रस्त है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी, हर एक व्यक्ति को ये सरकार जिसने बड़े बड़े वायदे किए थे, देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात की थी, आज वक्त आ गया है जो सरकार अपना वायदा पूरा नहीं कर सकी, उस सरकार का तख्ता पलट करने की, उस सरकार का परिवर्तन करने की। साथियों, हम आपका सहयोग मांगने आए। आज समूची कांग्रेस आप यहां देख रहे हैं मंच पर उपस्थित और आजाद साहब के नेतृत्व में हरियाणा के बीच में जाकर हम परिवर्तन की लहर चलाएंगे, बदलाव की अलग चलाएंगे और हरियाणा की जनता कांग्रेस का साथ देकर 100 सीट लोकसभा की कांग्रेस की झोली में डालेगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप जी का। कलाशो सैनी जी जो सांसद रही हमारे कुरुक्षेत्र से आए और अपने विचार रखे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग श्री गुलाम नबी आजाद जी, हरियाणा के प्रभारी, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भावी मुख्यमंत्री और सभी मंच पर विराजमान नेतागण और यहाँ पर उपस्थित मेरे अजीज कार्यकर्ता साथियों, भाइयों, बुजुर्गों और पत्रकार साथियों, आज आप सबको विदित है कि ये परिवर्तन यात्रा जो हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पर चलाई जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि मौजूदा भ्रष्ट और तानाशाही बीजेपी सरकार का तख्ता पलट करके रखेगी और आने वाले समय में केंद्र में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार का गठन होगा, जो गरीब, मजदूर, किसान, छोटे कर्मचारी, दुकानदार और व्यापारी के हितों की रक्षा के लिए आज बेहद आवश्यक हो गई है हरियाणा में और केंद्र में स्थापित करना, क्योंकि बीजेपी ने सर्वनाश के अलावा धर्म, मजहब, संप्रदाय, नफरत का जहर फैलाकर
भाईचारे को खत्म करने के अलावा एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इन वायदा खिलाफों को रसातल में पहुंचाने का वक्त आ गया है। आज आप संकल्प में प्रतिज्ञा करें कि जब तक केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार का गठन नहीं हो जाएगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष में खींच करके अपना खून पसीना बहाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रताप जी से कि वो आए और साथियों को संबोधित करें। महेंद्र प्रताप जी परम आदरणीय श्री गुलाम नबी आजाद जी, हमारे हरियाणा के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, परम आदरणीय श्री हुड्डा जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मंच पर विजय विराजमान, हमारे साथी सीएलपी लीडर और अन्य बुजुर्ग साथियों, महानुभाव, आप हजारों की तादाद में लगता है कि परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैं मेरे साथी महानुभाव ने बतलाया, इस यात्रा का जो उद्देश्य है ये कांग्रेस कमेटी विशेष तौर से आजाद साहब और हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक जन जागरण के साथ साथ एक परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ गुड़गांव की इस पवित्र ऐतिहासिक भूमि से किया गया है। गुड़गांव की भूमि एक ऐतिहासिक भूमि है, इसका नाम धर्म क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, गुरु द्रोणाचार्य से भी। अभी हमें संकल्प लेना है कि 5 वर्ष हुए इस शासन को, लोगों ने भ्रमवश, इन लोगों ने, जुमलों की सरकार ने जुमलेबाजी झूठ के आधार पर लोगों को गुमराह किया और सत्ता का परिवर्तन कर दिया। आज 5 वर्ष में जो कुछ हुआ है ये आपके सामने है। इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी, ये दोनों निर्णयों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को और सुरक्षा तक को भी खतरे में डाल दिया है। अब समय आ गया है कि आज परिवर्तन का फिर एक मौका है कि अगर अब भी हम नहीं जाग सके, अब भी अगर नहीं जो है इसको नहीं समझ सके, इन जुमलों को, इन्होंने फिर जुमलेबाजी, फिर झूठ, फिर इस तरह के गुमराह करने का बहरूपिया पड़े का खेल फिर खेलना शुरू कर दिया है। अगर हम इसमें ही रहे तो लीजिए कि 10 वर्ष भी इस देश का, इस राज्य का कल्याण नहीं होगा, हम 20 वर्ष चले जाएंगे। आतंकवाद पहले से 4 गुना बढ़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई है। आज फिर परिवर्तन का समय है, इस जागरण की यात्रा का यही एक उद्देश्य है। हम संकल्प लें कि आने वाले वक्त में अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हम परिवर्तन के लिए खड़े हो जाएं और कांग्रेस को एक बार फिर इस देश की मजबूती के लिए, बहबूदी के लिए, सुरक्षा के लिए, सामाजिक एकता के लिए फिर एक बार कांग्रेस को हम सब शक्ति दें और वो शक्ति आपकी होगी, राष्ट्र की होगी, सभी की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमें अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर अजय यादव जी से कि अपनी बात रखें। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रभारी गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे अध्यक्ष अशोक कंवर जी, हमारे चौधरी गोविंद सिंह हुड्डा जी, किरण चौधरी जी और सभी साथीगण, आज हम सब लोग राहुल गांधी के निर्देश के ऊपर आजाद साहब ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और एक लक्ष्य केवल एक ही है कि जो मीडिया के गोबर थी कि कांग्रेस पार्टी एक नहीं है, और जहां भी हम गांव में जाया करते थे वो कहा करते हैं आप एक हो। तो मैं समझता हूँ आज ये संदेश जो है आजाद साहब ने आकर जो है एक संदेश देने दिया है कि हम सब लोग एक हैं। दूसरी बात, जहां तक गुड़गांव की बात है, गुड़गांव हमारा सबसे ज्यादा टैक्स भरता है और लेकिन जहां विकास पर है, जहां तरक्की की बात, हम सबसे पीछे हैं। तो मैं एक ही वादा कर सकता हूं मैं आजाद साहब की तरफ से कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है इसमें जो सबसे पहला काम होगा वो होगा यूनिवर्सिटी बनने का। यूनिवर्सिटी बनना बहुत जरूरी है इस इलाके के लिए। और दूसरी बात यह है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं समझता हूं कि दूसरी बात है वो चिकित्सा की बात है, वो एम्स की बात है। और मैं समझता हूं अगर एम्स केवल एक जुमला है, इस एम्स को भी करवाएंगे
और भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है और मैं समझता हूँ आज सब कांग्रेस होकर जो अपना एक संदेश दिया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब लोग एक हैं और एक जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम सब लोग उसके साथ हैं। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं विशेष रूप से जो हमारे कार्यकर्ता है जिन लोगों ने जी जान लगाकर यह कार्य किया उनको बधाई देता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कि हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे और गुड़गांव को देश के मानचित्र पे जो एक सही मायने में एक स्मार्ट सिटी होती है उस रूप में विकसित करेंगे और विशेष रूप से जो हमारा पुराना गुड़गांव है ना वो मेट्रो से ना किसी और से और जो हमारे गांव है जो गांव पड़ते हैं मेन सिटी में उनकी भी तरक्की करेंगे। मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं पूरे आजाद साहब का और जितने हमारे साथी आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप 10 की 10 सीट जो है राहुल गांधी जी को आप उनकी झोली में देंगे। ये मैं शब्दों के साथ आप लोग आए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान साहब का। साथियों इससे पहले किशन जी उदय साहब और गुलाम नबी जी बोले मैं सभी साथियों से एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया थोड़ा सा ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए ध्यान दें और दूसरा आजाद साहब बिल्कुल समय पर चलते हैं भाई आपको सबको एहसास भी हो रहा होगा इसलिए कल से विशेष ध्यान रखें जो समय दिया जाए उस पर अपने साथी। आप ये सोच रहे थे कि एक घंटा लेट आएंगे लेकिन वो बिल्कुल समय पर चल रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय किरण चौधरी जी से और इसके बाद हुड्डा साहब बोलेंगे आजाद साहब बोलेंगे। आदरणीय किरण चौधरी हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आजाद साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब अशोक तंवर जी हमारे अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी मंच पर सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी मेंबरान और यहाँ आए हुए कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी सारे के सारे कार्यकर्ता जन एक ही बात कहूंगी मैं ये परिवर्तन यात्रा जो है ये एकता का प्रतीक है और ये एकता का प्रतीक आगे बढ़ाना आपका लक्ष्य है। बताओ हाथ खड़े करके आगे बढ़ाओगे बीजेपी को उसकी जड़ों से उखाड़ के फेंक दो क्योंकि इन्होंने जो 5 साल में जो हाथ खड़े हैं हमारे प्रदेश के आने वाले समय के अंदर इनको अगर नहीं हटाया तो और बद से बदतर हमारा हाल हो जाएगा। सब एक है सब नेता यहाँ पर एकता के रूप से सब हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे और कार्यकर्ताओं को भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग सब जिस जिससे जुड़े हैं वो आपकी अपनी आस्था लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जहां नाम आता है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी का नाम जहां आता है वहां एकजुट होकर कांग्रेस को आगे बढ़ाओ तभी सारे के सारे जो हो यहाँ पर जो है हम लोग सांस ले पाएंगे नहीं तो ये दोबारा से जो है अगर गलत काम कर गए तो कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी महामंत्री जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरियाणा के इंचार्ज माननीय गुलाम नबी आजाद साहब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी और सीएलपी नेता बहन किरण जी कैप्टन अजय सिंह जी और यहाँ से हमारे विधायक रहे मंत्री रहे हमारे बड़े भाई राव धर्मपाल जी पंडित कुलदीप शर्मा जी महेंद्र प्रताप जी अनिल जी जलाशो जी भाई जयवीर जी पर सभी सदस्यगण सम्मानित उपस्थित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों आज यहाँ हमारी यात्रा का मकसद आप सब समझते हैं कि चुनाव आ गए हैं चुनाव का ढंका बज चुका है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो जब इसका कोई काम नहीं कर सकते। ये तो प्रचारक पार्टी है झूठे प्रचार झूठी बातें रोज सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम को झूठ बोलते बोलते सो जाते हैं झूठे सपने दिखाते हैं। आज समय आ गया है देश को मजबूत करना है तो सबको एक होना है सच वो तो आपस में तोड़ने का काम करते हैं हम तोड़ने का काम करते हैं। आज सबको एक होकर इस परिवर्तन यात्रा में जो आजाद साहब की रहनुमाई में जो परिवर्तन यात्रा चली है हरियाणा में इसका मकसद एक ही है
कि हर आदमी इस बात को समझे, जो दुष्प्रचार चलाते हैं कांग्रेस में झूठ है, कोई झूठ नहीं है कांग्रेस में। सोनिया गांधी के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक है और एक होकर क्यों, किसके लिए एक है? आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, दुकानदार के लिए, कर्मचारियों के लिए, बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस आपने देखा 10 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, अच्छी सप्लाई, हर वर्ग कुछ था, किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, आज सब परेशान। तो भाई ये तो पहले से अच्छे दिन दिखाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो तुमने देख लिए, बुरे दिन आगे। अब तो हम सब एक ही बात कहनी हमने कि हमारे पुराने दिन दे दो, जो सब खुश थे। आवाज देने के कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस ये होकर संघर्ष करेगी और मेरे को पूरा भरोसा है जो आजाद साहब के नेतृत्व में परिवर्तन चला गुड़गांव से, वो तो ये यहाँ से आवाज पूरे हरियाणा में जाएगी और बड़ी तेजी से परिवर्तन आएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ है यहाँ कानून व्यवस्था की, गुड़गांव में कोई हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसान भी बदहाल है, गरीब आदमी देख लो, हर वर्ग का देख लो। तो आज मेरे को पूरा भरोसा है यहाँ से आवाज उठकर पूरे हरियाणा में जाएगी और सब एक होकर, छत्तीसगढ़ी एक होकर, सारे धर्म एक होकर कांग्रेस को विजय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी, जिनका एक लंबा तजुर्बा है 5 दशक का, 33 साल से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे और लंबे अरसे तक करीबन 30-35 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। आज उनको राहुल जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूर्व यहाँ पर बोलू उससे पहले मैं उनको बताना चाहूंगा कि सर, जहाँ कानून व्यवस्था का मामला, वही एक मांग हमारी आपसे भी है कि हम यहाँ पर गए, इधर ये गुड़गांव की धरती, यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है। वो एक छोटे बच्चे का जो गला काट करके स्कूल की घटना, वो भी यहीं पर हुई है। हरियाणा में बार बार जिस तरीके से भाईचारा खराब किया, इस इलाके के अंदर कभी मस्जिद के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर, और 2-3 दिन पहले धुलंडी के दिन, जिस दिन होली लोग खेल रहे थे, इसी गुड़गांव की धरती, यही बादशाहपुर के पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ की होली खेलने का काम किया। और कल हम वहां पर गए थे, कप्तान साहब और हम सारे लोग और भी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पहले गए, पुलिस कोई कार्रवाई वहां पर नहीं करी। 32 बार उन लोगों ने 100 नंबर पर डायल किया, 32 बार भी फोन जाने के बाद पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट उनकी ठीक हुई, ना उनका ठीक से इलाज हुआ। यहाँ इस प्रदेश में सर चंदन राज है और हम आपसे अपील करते हैं, आपके पास वो ताकत है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राज्यसभा के अंदर, कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से उन तमाम दोषी अधिकारियों को बुलाइए, उनको सम्मान करिए। जिस तरीके से आपने पहले हरियाणा का प्रभारी रहते हुए या मेवात को लेकर के पूरे इलाके में, जब बाबरी मस्जिद जाने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को जंगल में भगाया गया था, आपने उस समय भी कार्रवाई करी थी। और मैं समझता हूँ कि एक बार फिर आज राहुल जी के नेतृत्व में, आपको सोनिया जी के मार्गदर्शन में जो जिम्मेदारी थी, आप जहाँ हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करेंगे, भाई हम ये समझते हैं कि आप तमाम उन लोगों को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अपने के साथी हो, चाहे हमारी माताएं बहने हो, किसी के ऊपर भी अगर प्रहार होगा, उसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आ जाइए आजाद साहब को अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस यात्रा जो उनका एक हमेशा कोशिश रहती है, जिस प्रदेश में उनको जिम्मेदारी दी जाए, कि सारे पूरे कांग्रेस परिवार को एक साथ लेकर के बस में चले। आज परिवर्तन बस यात्रा की शुरुआत के मौके पर वो बादशाहपुर और गुरुग्राम की धरती पर पहुंचे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें मार्गदर्शन दे और कांग्रेस को नई मजबूती प्रदान करे। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी के लीडर और सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स,
और गुड़गांव के ए ताऊ चुस्की दिन में बच गई। आज परिवर्तन यात्रा, अरे गाड़ी अगर कहीं भी फंसी है एम्बुलेंस उसको सबसे पहले जाने दो, एम्बुलेंस अगर कहीं है फंसी हुई कहीं है एम्बुलेंस, मुझे तो एम्बुलेंस नहीं दिखती है लेकिन अगर कहीं भी है उसको सब गाड़ियां आदि करो एम्बुलेंस को जाने में, कहीं भी एम्बुलेंस है तो उसको जाने दे। क्या है बच्चे कहाँ है गाड़ी? अच्छा अच्छा हम निकल आते हैं, इनको बता दो भाई पुलिस वाले हमारे कहाँ, दो पुलिस वाले जाओ भाई, आप भी एस आई साहब आप जरा जाइए इन बच्चों के साथ, कहीं से नहीं निकल आप, जाओ 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 आपका पी एस ओ वापसी आ गया। आज सुबह से हमने गुड़गांव से छह दिन की पूरे हरियाणा की परिवर्तन यात्रा शुरू की, हमारे सभी लीडर्स कांग्रेस के इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा है और हम सब मिलकर हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्टों का दौरा छह दिन का करेंगे, ये पहला दौरा होगा, उसके बाद कई दौरे होंगे कई सभाएं होंगी, लोग तो पहले से ही जागे हैं लेकिन हमारा कर्तव्य सोशल वर्कर के नाते पार्टी वर्कर्स के नाते लीडर्स के नाते और कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते कि जो जागे हैं वो दौड़े और जो सोए हैं उनको जगाएं, क्या आज पूरे देश में सरकार नहीं है अंधेर नगरी, हरियाणा में भी सरकार नहीं है अंधेर नगरी, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली दफा हुआ होगा कि एक राज्य में हरियाणा में जिसका मुख्यमंत्री और जिसका मंत्री कभी भी पहले मंत्री नहीं रहा, ये ऐसा पहला राज्य जिनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं, जिनको राजनीति का अनुभव नहीं, जिनको सभी सुविधाएं को इकट्ठे चलाने का अनुभव नहीं, जिनको सड़कें पानी बिजली देने का अनुभव नहीं है, जिनको किसानों की क्या समस्याएं हैं उनका अनुभव नहीं है, समाज कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है उसका अनुभव नहीं। आज अभी पीसीसी के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से धर्म के नाम पे जाति के नाम पे समाज के टुकड़े किए जा रहे हैं अपने वोट बटोरने के लिए। सबसे बड़ी बुरी बात अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ वो देश की जो एकता था उस देश की एकता को उन्होंने खत्म कर दिया, हर प्रांत में कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक और यहां हरियाणा से लेकर गुजरात तक आपस में जो सद्भाव जो प्रेम था प्यार था अलग अलग जातियों और अलग धर्मों के बीच में उसको उन्होंने खत्म किया और वोट बटोरने का काम किया। आज हम सबको यही जगाने आए हैं कि इस देश के किसान जाग जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सब विरोधी सरकार है, हमारे करोड़ों युवक जाग जाए, ये सरकार
युवा विरोधी सरकार है, हमारी बहु बेटियां माए पहले जाग जाए। ये महिला विरोधी सरकार जितने महिलाओं के साथ इस देश में बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस सरकार को हमें चलते कर देना है। दुनिया में मैंने प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में कहा कि जब आप प्रधानमंत्री नहीं होंगे और जब कमीशन बैठेंगे तो बीजेपी की सरकार दुनिया में सबसे भ्रष्ट सरकार मानी जाएगी। आज 1 बजे आप तमाम पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनना, शायद कहीं मोबाइल पे वो लाइव भी आएगी, आपको खुलासा होगा कि दुनिया का नोटबंदी का सबसे बड़ा स्कीम, दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम जो है, जिसके बारे में चर्चा कई दिनों से हुई, महीनों से हुई, सालों से हुई, पार्लियामेंट अंदर हुई, पार्लियामेंट के बाहर हुई, आज उसका खुलासा हो जाएगा कि किस तरह से उसमें लूट हुई, चोर हुई और दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम नोटबंदी था। और उस नोटबंदी से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, वो एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था और उससे 4.25 करोड़ नोटबंदी और जीएसटी से 4.25 करोड़ हमारे जो रोजगार थे वो खत्म हो गए। मोदी जी ने वादा किया था 10 करोड़ रोजगार देने का, 10 करोड़ तो दिए नहीं, लेकिन जो 4.25 करोड़ लोग जो छोटे उद्योग में काम करते थे, मध्यम उद्योग में काम करते थे, बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और दूसरे उद्योगों में काम करते थे, वो तमाम उद्योग इस डिमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की वजह से और जीएसटी की वजह से बंद हो गए। और दंड ये हुआ कि आज पूरा देश का जो युवक है वो बेरोजगार है, बेरोजगार है। इसलिए हमें परिवर्तन लाना है इस स्टेट में और केंद्र में। और मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने छोटे मेटे मोटे जो मतभेद होते हैं उनको भुला दीजिए, आज से खत्म कर दिए। हमारा निशाना सबका होना चाहिए एक ही, वो होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, न के दूसरे। हेलो, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात आ गई है कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर साहबों से गुजारिश है चले। और एक चीज मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए अब वही रही है विजय आरोप, अब जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए उस डिस्ट्रिक्ट के जो 4-5 लीडर है उनको वहां चढ़ाइए पीछे, लेकिन जो ये डिस्ट्रिक्ट खत्म होगा उनको उतारिए, अगले डिस्ट्रिक्ट वालों को चढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया 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 माइक उधर दीजिए, उधर उधर हेलो, सभी साथियों से आग्रह कि भैया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे मेंबर थे, सीनियर लीडर थे, वो गाड़ी में बैठे, जिले के जो हमारे सीनियर लीडर थे वो भी उसमें आए और बाकी साथी इस गाड़ी को फॉलो करें और थोड़ा सा व्यवस्थित रहे। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और आगे की तरफ प्रस्थान करें। ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए यातायात के पालन नियमों का पूरा पालन करें। धन्यवाद। ले भाई।